अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बहुत ही मज़ेदार और इजी वे में आप सबके लिए चपली कबाब की रेसिपी बनाई है, जो कि बनाना भी बहुत आसान है, खाने में मज़ेदार, घर के साफ सुथरे मसाले और खुशबूदार, और ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत भी नहीं हुई और कम बजट में आपके चपली कबाब तैयार हो गए। साफ सुथरा गोश्त लिया है, ये तकरीबन वेट में हमारे पास आधा किलो है, धोकर हमने स्ट्रेनर में रख लिया था ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। उसके बाद इसको हम कीमा बनाने वाली मशीन से निकाल लेंगे। कीमा बनाने के बाद बारी आएगी हमारे कुछ स्पाइसेस शामिल करने की, जो कि हमने बहुत बारीक सी एक छोटे अदद की प्याज को हमने चॉप किया है, और एक इस साइज़ के हमारे पास एक प्याज है जिसका हम चॉप करके इसको इसका पानी निकाल लेंगे या पीसने के बाद पेस्ट बनाने के बाद पानी निकालेंगे। लहसुन अदरक है हमारे पास, एक खाने का चम्मच अदरक है जिसको हम बारीक कूट लिया है, वो है एक खाने का चम्मच। लहसुन है, इसको भी हमने बारीक कूटा है, एक खाने का चम्मच तकरीबन भर के हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे, और आधा हमने इस साइज़ का टमाटो लिया है, इसको हमने कर लिया, और आधा हम जो है वो प्याज के साथ थोड़ा सा इसका पेस्ट बनाएंगे और पानी निकाल के शामिल कर देंगे ताकि खटास ना आए ज़्यादा। अब बाकी के मसाले इस तरह जाएंगे, कुछ 1 टीस्पून हमारे पास अनारदाना है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून काला ज़ीरा है जिसको शाह ज़ीरा भी कहते हैं, और 1 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च है, और 1 टीस्पून हमारे पास कुटी हुई मिर्च है। आप चाहें तो इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करें, वरना ज़रूरत नहीं। 1 से 1.5 खाने का चम्मच इसमें कुटा हुआ धनिया जाएगा, और घर के मसालों से ही इंशाल्लाह बहुत ही शानदार से हमारे चपली कबाब तैयार होंगे। और 1.5 से 2 खाने के चम्मच इसमें हम मकई का आटा शामिल करेंगे, इससे इसका अच्छा टेस्ट आता है। तो हम इन्हीं घर के चंद मसालों से हम अपने चपली कबाब बनाएंगे। 2 से 3 बार कीमा निकाला मशीन से, और हमारा कीमा ना बिल्कुल मैशी है, और बस एक दानेदार सा हमारा कीमा है हल्का सा, जो कि हमने मशीन से निकाला है। अब इसके लिए हम सबसे पहले इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे, हसबे ज़ायका मैं 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। पाँच मिनट हमने नमक के साथ इसको अच्छे से भून लिया है इस तरह से। उसके बाद मसालों की बारी आती है, धनिया शामिल कर देंगे जो कि कुटा हुआ है, रोस्ट नहीं है, 1 टीस्पून वाइट ज़ीरा है, और 1/2 टीस्पून काला ज़ीरा या शाह ज़ीरा है। वन टी स्पून हमने इसमें अनारदाना शामिल किया जिसको अच्छे से कूट लिया था, हम अंदरसे से कूटें या जैसे भी आपकी मर्ज़ी कूटें। 1 टीस्पून हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, 1/2 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे, और 1 से 1.5 टेबल स्पून हम इसमें मकई का आटा शामिल करेंगे जो कि रोस्ट नहीं है। लहसुन अदरक शामिल करेंगे जो मैंने चॉप किया है हाथ से बारीक, या कूट लें या चॉप कर लें, मैंने बहुत ही बारीक सा इसको चॉप किया। हरी मिर्च शामिल करेंगे, प्याज हम बाद में डालेंगे, पहले इनको अच्छे से भून लेंगे मसालों को ताकि तमाम फ्लेवर जो हैं हमारे यकजान हो जाएं। इसको बस मसाले को भूनने का कमाल है, हमारे बहुत ही मज़ेदार सी जूसी चपली कबाब तैयार होंगे। ना हमने इसमें कोई फैट डाला है, और बस ट्रिक है जो मैं बाद में बताऊंगी, आपको ऐसे ही करना है। मेरी रेसिपी आखिर तक देखिएगा, चॉप करके बिल्कुल बारीक हमने लहसुन अदरक शामिल किया, तो इससे इसमें इसका पानी भी नहीं है, गोश्त का हमने धो लिया था पहले ही, और इसको धोने के बाद हमने इसका कीमा तैयार किया, पानी जो था इसका खुश्क हो गया था, ड्रेन कर लिया था,
दो चुटकी हाथ से क्रश करके अब हम अजवाइन भी शामिल करेंगे, क्योंकि ये बीफ के कबाब हैं, बीफ का गोश्त थोड़ा बागी होता है। अभी इस स्टेज पे हम इसमें ये चॉपकी हुई प्याज भी शामिल कर देंगे, चॉपकी हुए टमाटर, और एक जो मैंने आपको प्याज दिखाई थी उसको और टमाटर को मैंने एक साथ ब्लेंड किया और उसका पानी निकाल लिया, वो भी इसी स्टेज पे शामिल कर देंगे। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मसाले तो तकरीबन घर में होते हैं, एक दो मसाले एक्स्ट्रा थे इसमें वो शामिल कर लिया आपने। ये इस शेप में आप अपनी पसंद के साइज में आप इसके कबाब बनाएं, और मैं 3-4 और बनाती हूँ आपके सामने, आपको जो साइज पसंद हो। मसाला अच्छे से मैश हुआ है और बहुत ही शानदार है। एक छोटा सा कबाब बना के मैंने फ्राई कर लिया था ताकि नमक मिर्च का अंदाज़ा हो जाए, अगर कम बेशी हो तो आप इसी स्टेज पे आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास ये बड़ा हैवी पिंदे का तवा है, इसको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ इसमें, और इसको इसमें मैंने घी इस्तेमाल किया है, और जितने भी अच्छी जगहों पे कबाब फ्राई होते हैं वो चिकनाई में नहीं बनाते, वो घी में फ्राई करते हैं। इसी तरह से हम अपने बाकी के कबाब फ्राई करेंगे, 4 से 5 मिनट एक साइड फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसी स्टेज पर इसमें टमाटर लगा दें, बहुत ही शानदार सी इसमें खुशबू आ रही है। घर के चंद मसाले से हमारे लिए बहुत ही अच्छी चपली कबाब तैयार हो चुके हैं, देखिए किस कदर जूसी